संदीप डिजिटल हब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अपने कंप्यूटर के प्रोसेसर का नाम कैसे चेंज करें, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कि रजिस्ट्री एडिट कैसे करें। तो आइए सबसे पहले हम रन कमांड ओपन करेंगे, जिसके लिए शॉर्टकट की होती है विंडो प्लस आर। इसके बाद हम एंट्री करेंगे रेज एडिट, REGEDIT, रेज एडिट। इसके बाद हम ओके करेंगे, इसके बाद हम यस कर देंगे। फिर हम चलेंगे सबसे पहले H की लोकल मशीन पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करना है आपको। इसके बाद हम हार्डवेयर पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप सिस्टम पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसर लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जीरो पर क्लिक करना है आपको, फिर आप यहां पर आएंगे, आपको मिल जाएगा प्रोसेसर नेम, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे और यहां से जो भी कुछ लिखा है आप चाहे तो सब कुछ चेंज कर सकते हैं। कुछ शॉप वाले क्या करते हैं, यहां पर आपको i3 की जगह पे i5 कर देंगे और आपको सेल कर देते हैं i5 बता करके। ये वीडियो आपको किसी भी इलीगल काम से बचने के लिए बताया जा रहा है, आपको कोई भी इलीगल काम करने के लिए नहीं सिखाया जा रहा है इस वीडियो में। तो हम करके देखते हैं कैसे शॉप वाले कर देते हैं। यहाँ पर आप अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे पूरा डिलीट करके अपना नाम चाहे तो अपना नाम लिख दें। हम यहाँ पर 5 लिख दे रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हो गया है इंटेल आर कोर ट्रेडमार्क i5 थर्ड जनरेशन। आप जनरेशन भी चाहें तो चेंज कर दें, यहाँ पे जो मर्जी आप पूरा इसे डिलीट करके अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अब आप ओके करेंगे इसको और यहां से कट कर देंगे। अब आप कट कर देंगे, इसके बाद आप आएंगे दिस पीसी पर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी आप यहां से चेक कर लेंगे। तो देखेंगे आप यहां पर लिखा है इंटेल आर कोर i5 का प्रोसेसर यहां पर दिखा रहा है। कुछ शॉप वाले आपको ऐसे ही दिखा के सेल कर देते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे सही तरीके से कहां से देखना चाहिए हमें, जिसके लिए हम सिस्टम को शट डाउन करेंगे और बायोस पे जा करके आपको प्रॉपर तरीके से देखना है। बायोस से हम कोई भी सेटिंग चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आपको नया सिस्टम खरीदना है तो आप बायोस पे जा करके चेक करें। बायोस पे जाने के लिए सबसे पहले सिस्टम को आपको रिस्टार्ट करना है। इसके बाद यदि आपको देखना है कि शट डाउन करने पे भी ये रहेगा ये सेटिंग या नहीं रहेगा, तो हम सबसे पहले आपको शट डाउन करके चेक करा दे रहे हैं एक बार। तो सिस्टम को हम शट डाउन कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं सिस्टम अब हमारा ऑन हो चुका है। राइट क्लिक करके हम एक बार फिर से इसकी प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं अब भी यहां पर i5 ही लिखा है। अब हम सही तरीके से देखेंगे कि प्रोसेसर सही तरीके से कहां से चेक करना है हमें, तो उसके लिए सिस्टम को आपको रिस्टार्ट कर देना है। और रिस्टार्ट जब ऑन होने लगेगा सिस्टम आपका, तब आपको बायोस की प्रेस करनी है। जैसा कि हमारे सिस्टम की बायोस की डिलीट की है, मैक्सिमम सिस्टम में डिलीट की ही होती है, तो सिस्टम हमारा ऑन होने लगा है। अब हम डिलीट की प्रेस कर देंगे। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू डिलीट की प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम टाइमिंग नहीं जान पाते हैं कब हमें करना है। तो आप जैसे सिस्टम ऑन होने लगे तब आप कंटिन्यू डिलीट की प्रेस करते रहें। इसके बाद हम आएंगे एरो की सी एडवांस पे, इसके बाद हम एरो की का यूज करते हुए एडवांस ऑप्शन पे आएंगे। ये हम जो सेटिंग बता रहे हैं अमेरिकन मेगा ट्रेंड्स बायोस की सेटिंग बता रहे हैं। आपके सिस्टम में कोई और बायोस लगा होगा तब भी आप जाएंगे अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग। आपको CPU कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है, मैक्सिमम बायोस में आपको एडवांस वाले ऑप्शन पर मिल जाएगा। अदरवाइज किसी और अलग ऑप्शन पे है तो आप तब भी वहां पर जा करके CPU कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे। इसके बाद हम इंटर कर देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बायोस पे अब भी हमें वही दिखा रहा है जो प्रोसेसर का नाम है i3 थर्ड जनरेशन। जो पहली डिजिट लिखी होती है वो जनरेशन होता है और उसके बाद 3.3 GHz का प्रोसेसर है हमारा। तो जैसा कि आपने देखा हमें सिस्टम की
सही जानकारी देखना है तो हम बायोस पे जा करके देखेंगे। सिर्फ दिस पीसी पर जा करके प्रॉपर्टी नहीं चेक करेंगे, वहाँ से चेक करने से मैक्सिमम शॉपकीपर क्या करते हैं कि वहाँ पर जा करके, जैसे आपने देखा कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रीड हम करते हैं, वहाँ पर जाकर वो लोग भी चेंज कर देते हैं और आपको शो करते हैं कि ये सिस्टम i5 का है, आपको सेल कर देते हैं। तो इससे आपको बचना है और सिस्टम को आप रिस्टार्ट करके बायोस पर जाकर ही चेक करें, उसके बाद तभी उसे परचेज करें। और इस वीडियो में जो भी कुछ आपको बताया गया है, आपकी जानकारी के लिए बताया गया है, कोई भी लीगल काम करने के लिए नहीं बताया गया है। तो इसको हम स्किप कर देते हैं और इंटरप्रेस कर देते हैं, नए सिरे से हमारा सिस्टम ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि देख रहे हैं सिस्टम हमारा अगेन ओपन हो गया है। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।